नमस्कार दोस्तों, रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए फिर से मैं बहुत बड़ी खबर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, जो ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री आशीष मिश्रा जी फेसबुक लाइव आए थे और उस लाइव में यह बताए थे कि जो भी अप्रेंटिसशिप की मांगे हैं जीएम पावर को लेकर के, 109 बैच को लेकर के, लोहार जाति को लेकर के और भी जो भी अप्रेंटिसशिप की समस्याएं हो रही है, सारी समस्याओं को लेकर के एक मेमोरेंडम बना करके हमको भेजे। मैं महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी से बहुत जल्द मुलाकात करने वाला हूं। तो दोस्तों, बहुत से अप्रेंटिसशिप छात्रों ने उनकी जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उन सभी को एक मेमोरेंडम बना करके आशीष मिश्रा जी के पास भेजे हैं। और दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि आशीष मिश्रा जी जो भी अप्रेंटिसशिप की समस्याएं हैं, सभी समस्याओं को लेकर के, खासकर जीएम पावर को लेकर के, फिर से महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी से मिले हैं, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। दोस्तों, आशीष मिश्रा जी के द्वारा महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी को यह बताया गया कि सर, जो अप्रेंटिसशिप है, जो 109 बैच के अप्रेंटिसशिप है, उनका किसी भी तरह से सिलेक्शन करवाइए। और जो जीएम पावर को लेकर के उन्होंने शिव गोपाल मिश्रा जी को जो ज्ञापन का लेटर था, वह लेटर शिव गोपाल मिश्रा जी को दिए हैं और जल्द से जल्द जीएम पावर लागू कराने के लिए शिव गोपाल मिश्रा जी से निवेदन किए हैं। दोस्तों, ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन पासवान भी महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी से बहुत जल्द मिलेंगे। आशीष मिश्रा जी ने महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी से बातचीत किए हैं और दोस्तों, बहुत ही सकारात्मक बातचीत हुआ है। महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने यह बताया है कि हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं, भले प्रयास में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आप लोग जितने भी अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट हैं, सभी लोग भरोसा रखें, हम जल्द जीएम पावर को लेकर के एक बार फिर से रेल मंत्री से बातचीत करेंगे। ऐसे तो रेल मंत्री का सकारात्मक रवैया आता है कि हम जल्द अप्रेंटिसशिप छात्रों के लिए कुछ करेंगे और फिर से जीएम पावर लागू करने को लेकर के फिर से हम विचार करेंगे। तो दोस्तों, एक लेटर भी मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाया था कि रेलवे यह विचार कर रही है कि हम जीएम पावर लागू करेंगे और फिर से जब महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा अगला पीएनए मीटिंग होगा तो उसमें रेलवे ने बोला है कि हम जीएम पावर देंगे। तो दोस्तों, अब देखना है कि अगला पीएनए मीटिंग कब होता है, क्योंकि दोस्तों वह पीएनए मीटिंग अप्रेंटिसशिप के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। उस पीएनए मीटिंग में जीएम पावर लागू होगा या नहीं होगा, इसका दोस्तों निर्णय हो जाएगा। बहुत से कैंडिडेट कमेंट में पूछते रहते हैं कि जीएम पावर कब लागू होगा। तो दोस्तों देखिए, रेलवे बहुत ही बड़ा है, यह कोई छोटा सा इंस्टीट्यूट तो है नहीं, यह पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ एक बहुत बड़ी संस्था है। तो कोई भी नियम कानून को लागू होने में समय लगता है। तो दोस्तों, जीएम पावर भी जल्द लागू होगा, इसमें भले ही थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन जीएम पावर लागू जरूर होगा। तो आशीष मिश्रा जी ने सभी अप्रेंटिसशिप छात्रों को बताया है कि हम जल्द से जल्द जीएम पावर को लागू करवाएंगे। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, कोषाध्यक्ष, सहायक महामंत्री, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जीएम पावर लागू किया जाए। महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा भी रेलवे बोर्ड के साथ, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ, रेल मंत्री के साथ हमेशा मीटिंग करते हैं। फिर से मीटिंग होने वाले हैं और उसमें जीएम पावर पर चर्चा परिचर्चा होगा। तो दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट यह पूछते हैं कि जीएम पावर कब लागू होगा, तो इतना भी जल्दी आप लोग अपना विश्वास मत खोए महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी पर। आप लोग विश्वास बनाए रखें, जो आशीष मिश्रा जी है, चंदन पासवान जी है, आप लोगों के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं, अपना पूरा समय रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए देते हैं कि किसी भी तरह से अप्रेंटिसशिप का भला हो जाए, जीएम पावर के माध्यम से उनका ज्वाइनिंग हो जाए। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आशीष मिश्रा जी महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी से
मिले हैं और हो सकता है कि फिर से आशीष मिश्रा जी महामंत्री जी के साथ क्या बातचीत हुआ है, क्या मेमोरेंडम के दौरान महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने क्या बताए हैं अप्रेंटिसशिप छात्रों के लिए, तो फिर से आशीष मिश्रा जी लाइव आकर आप सभी को संबोधन कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट था जो मैंने आपको बताया, फिर से अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन के द्वारा क्या आगे की प्रक्रिया अपनाया जाता है, नेक्स्ट अपडेट मैं आप सभी को बताऊंगा ही। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सभी अप्रेंटिसशिप तक यह सूचना पहुंचे और सभी लोग अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन का अधिक से अधिक साथ दें। फिर अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय अप्रेंटिसशिप, जय हिंद।